तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिल ट्रेनिंग की। यहाँ पर हम हिल ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पर जो आपको रोड दिख रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा स्लोप है, यहाँ पर हम हिल ट्रेनिंग करेंगे जो रनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके साथ आपका स्पीड बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा, सभी सारी चीज़ें होगी। और अगर आप भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे उसमें 100 मीटर हो चाहे 1600 मीटर हो, उसमें हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको दोस्तों हफ्ते में एक या दो बार हिल ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आप अच्छे से देखना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिल पर हमें स्लो पार्ट ट्रेनिंग करना है। हम जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तब हमें 90 से लेकर 95% से स्पीड से जाना है, और वापस आते समय स्लो जॉगिंग करना है। और दोस्तों आपको ट्राई करना है कि जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं तब आपको पैरों को अच्छे से उठाना है, हाथ को अच्छे से स्विंग करना है, और जब आप वापस आते हैं तब आपको स्लो जॉगिंग करके आना है, चलना बिल्कुल नहीं। और जितना डिस्टेंस है, समझो आपका जो डिस्टेंस है हिल का, अगर 100 मीटर है या तो 200 मीटर है, तो आपको कंप्लीट करना है। जहाँ पर आपका फिनिश है वहाँ तक आपको जाना ही है, और फिर आपको वापस स्लो जॉगिंग करके आना है। इसके वजह से आपके पैरों में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पैरों में पावर बढ़ेगी, उसके साथ एंड्योरेंस बढ़ेगा। और ये 1600 मीटर और 100 मीटर के लिए बेस्ट वर्कआउट है। इसके वजह से आपके अच्छे से लेग में पावर बढ़ते हैं, और आपका जो रनिंग है वो आप एक्सलेंट मान सकते हैं। इसलिए हमें स्लो पास रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। स्लो पास रनिंग करने के बाद हमें 5 मिनट रेस्ट लेना है, और फिर नेक्स्ट वर्कआउट करना है। हमें 25 मिनट डिस्टेंस में वर्कआउट करना है। हम सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल लेग हॉप लगाएंगे। आपको नेक को थोड़ा नॉर्मल उठाना है, और इस तरह से आपको सिंगल लेग हॉप लगाना है। ऐसे आपको दोनों पैरों पर करना है। इसके वजह से आपके लेग में अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका जो कॉप मसल है उसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आप रनिंग भी अच्छी तरह से कर पाओगे। ऐसे आपको दोनों पैरों पर करना है, और हर एक लेग के दो रेपिटेशन लगाने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हम बाउंडिंग करेंगे। बाउंडिंग मतलब दोस्तों आपको लंबे लंबे स्टेप लगाना है, आपको बॉडी को बम्प्स करना है। और जब आप पैरों का लैंडिंग करते हैं तब आपको पूरे आपका जो फुट है उसको आपको फ्लैट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लंजेस करना है। लंजेस करने से हमारे लेग में अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब आपके रनिंग में पैर थक जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 2 या 3 सेट लगाना है, और ये सभी एक्सरसाइज आपको 20 से लेकर 25 मीटर में करना है। इस सभी एक्सरसाइज दोस्तों सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपके लेग में अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हमें 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक 4 या 5 स्प्रिंट लगानी है, और वो भी 90 से लेकर 95% से स्पीड लगाना है। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका तो स्पीड 100% बढ़ेगा। और जब आप हाथों को अच्छे से स्विंग करते हैं तब आपका जो 1600 मीटर या 800 मीटर का जो लास्ट चक्र होता है तब आपके हाथ अच्छे से चलते हैं। इसलिए हमें जो स्प्रिंट है वो हिल पर स्प्रिंट लगानी चाहिए। दोस्तों इसी तरह से हमें हिल ट्रेनिंग करना है। अभी हमने जो हिल ट्रेनिंग किया इसके वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा, उसके साथ आपका एंड्रोस बढ़ेगा, और आपके लेग में अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपका स्पीड तो 100% बढ़ेगा। चाहे आप 100 मीटर करते हो चाहे 1600 मीटर करते हो। अगर आप 1600 मीटर करते हो तो आपका दोस्तों स्टैमिना ज़रूर बढ़ेगा, 100 मीटर में स्पीड बढ़ेगा। इसलिए हमें हिल ट्रेनिंग हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर करना चाहिए। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है जल्दी बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।